आइए हम बात करते हैं बोलती बंद करा देने वाली बिहारी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के बारे में। बड़ा से बड़ा राज तिलक सूरमा, कितनी भी वाचाल हो, तपाक हो, अंजना ओम कश्यप के सामने टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप अंजना के विचारों से सहमति न रखते हो, उनकी पत्रकारिता में किसी दल विशेष का समर्थन दिखता हो, पर उनकी क्षमता और योग्यता पर आप सवाल कभी भी नहीं उठा सकते। अंजना ओम कश्यप देश की उन लाखों लड़कियों के लिए आदर्श है जो अपना करियर पत्रकारिता में बनाना चाहती हैं। 12 जून 1975 को जन्मी बिहारी मूल की अंजना के पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी आड़ा के रहने वाले थे और उनकी माता बिहार शरीफ की। चूंकि पिताजी डॉक्टर थे तो रांची में पोस्टेड भी थे, तो अंजना की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अविभाजित बिहार के रांची शहर में हुई। उन्होंने रांची के प्रतिष्ठित लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की, तो ग्रेजुएशन उन्होंने दौलत राम कॉलेज से पूरी की। उनका सब्जेक्ट जूलॉजी था क्योंकि पिता की तरह उनका भी सपना एक डॉक्टर बनने का था, पर अफसोस कि इस सपने को साकार करने में वो असफल रही। सामाजिक बुराइयों को देख उद्वेलित होने वाली अंजना का झुकाव धीरे धीरे पत्रकारिता की ओर होने लगा। 2002 में अंजना ने जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और 2003 से उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ कर दिया। कॉलेज के दिनों में ही उनकी दोस्ती मंगेश से हुई, वही मंगेश उनके जीवन साथी भी बने। मंगेश सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस में पोस्टेड हैं। वैसे आपने अंजना को कई बार दिल्ली पुलिस की क्लास लगाते हुए भी सुना होगा। अंजना का सफर दूरदर्शन के कार्यक्रम आंखों देखी से शुरू हुआ। उसके बाद वो जी न्यूज, न्यूज 24 और स्टार न्यूज के साथ भी जुड़ी, पर उनके लिए आज तक काफी लकी साबित हुआ। आज तक ने अंजना को जर्नलिस्ट से स्टार जर्नलिस्ट बनाया। आज हर हिंदी भाषी परिवार में अंजना को लोग नाम से जानते हैं। वैसे तो अंजना आज तक में सीनियर एडिटर और न्यूज एंकर हैं, पर लोग उनका डिबेट काफी चाव से सुनते हैं। अंजना जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं की हवा निकालती हैं और अपने अंदाज में झाड़ पिलाती हैं, तो सिस्टम से त्रस्त आम भारतीय दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। हल्ला बोल, राज तिलक, बड़ी बहस, दिल्ली के दिल में क्या है, जैसे कार्यक्रमों ने अंजना ओम कश्यप को भारतीय पत्रकारिता की दुनिया में अलग स्थान दिलाया है। हालांकि अंजना कई बार विवादों से भी घिरी, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व पत्रकार आशीष खेतान की औकात पर सवाल उठा दिया था। उस वक्त अंजना की काफी खिंचाई भी हुई थी। एक बार अंजना ने अपना नाम अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी पढ़ लिया था, तब उस वक्त भी वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रॉल की गई थी। हालांकि यह एक मामूली गलती थी, पर कहते हैं ना कि संसार का चरित्र आलोचक है, बस तलाश मौके की ही रहती है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब अंजना ने से एक छोटी बच्ची ने सवाल पूछ दिया कि मैम आप महिला हैं और वह भी बिहारी महिला, क्या कभी आपको डर नहीं लगता, तो अंजना ने दो टूक जवाब दिया कि जब आपके आसपास सब कुछ कमजोर हो तो आप सबसे शक्तिशाली होते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई चाहे कहीं भी हुई हो, पर दिल के एक कोने से लगता है कि मैं बिहारी हूं और हमेशा बिहारी रहूंगी भी। बताया जाता है कि अंजना ओम कश्यप की आय 1 करोड़ रुपए सालाना है। बिहार को अपने इस अनमोल रत्न पर नाज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।